डिब्बे पे वो लगा के, ये थोड़े से क्या, मैं देसी जुगाड़ कर लेता हूँ अपने। हिम्मत मत हारना, मैं भी नहीं आ रहा तो आप भी मत हारना। आप भी देखते रहना, मैं बनाता रहूंगा, ठीक है? तो आप देखना मत छोड़ना, मैं बनाना नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? थोड़ी करना जाओ। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज के दिन की शुरुआत करते हैं अपन 12 बजे से, और आज मौसम ना थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, देखो पूरा बारिश का सा मौसम हो रहा है, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है आज। ओके गाइस, तो अभी हो गया हमारा खाना खाने का टाइम, तो खाना खा लेते हैं। आज है बैंगन की सब्जी और नॉर्मल रोटी बिना चुपड़ी, तो रोटी खा लेते हैं। 2 hours later गाइस बाहर आ चुकी है बारिश, बहुत प्यारी, मौसम हो गया एक नंबर। रुपया के पास खड़े हैं यहाँ पे अपने भाई की चाय, भयंकर ही आ गई बारिश। गाइस इधर देखो बारिश से पानी भर गया, इतनी सी बारिश में तो देखो पूरा पानी बह गया इधर चारों तरफ। ओके गाइस, तो बारिश रुक चुकी है, तो अभी अपन चल रहे हैं वापस अपने फ्लैट पे चलते हैं, और अभी मैं नहाऊंगा घर जाके। मैं बारिश में भी नहाने की सोच रहा था, लेकिन बारिश में मैं क्या यार बीमार हो जाएंगे, तो मैं क्या रिस्क नहीं लेते हैं। अभी थोड़े टाइम ही हुआ बीमार हुए हुए, तो मैं क्या रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए नहाया नहीं मैं। बाकी मौसम तो देखो कितना प्यारा हो रहा है, बारिश तो एक नंबर हुई आज, मज़ा आ गया बारिश देख के। ओके गाइस, तो मैं आ चुका हूँ अपने फ्लैट पे वापस, और असीम तो जा रहा है अभी रेडियो के नहा धो के, मैं भी नहा धो के रेडियो जाऊँगा, क्योंकि मैं कल भी नहीं नहाया था, कल हमारे पानी खत्म हो गया था। तो आज तो मैं अभी नहाऊँगा बैठूँगा, और आज नहाएंगे हम बाहर ही यहाँ पे। देखो हम यहाँ नहाते हैं, जब पानी खत्म हो जाता ना तो हम यहाँ नहा लेते हैं, यहाँ पे हमारे पानी का सेटअप करके, और यहाँ नहाते हैं हम मस्त। पटवारी निकल, तो गाइस पटवारी अपना जा रहा है, पटवारी साहब भाग गया पटवारी। 6 hours later मैं सोच रहा हूँ तो आज ना चाय घर पे बनाएंगे, क्योंकि मैं अभी घर वहाँ बाहर गया था चाय पीने के लिए, पर मैं चाय तो पी नहीं मैंने, और बस मैं थोड़ा सा बाहर घूम के पताशे वताशे खा के वापस आ गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी अपन चलते हैं वापस, और दूध लेके आते हैं और चाय बनाते हैं अपन। तो चलो चाय बना लेते हैं, तो मैं दूध यहीं ले आता हूँ, खुद ही बना के पीऊँगा दूध। मुझे ना खुद के हाथ की चाय अच्छी लगती है, फिर एक दो चाय वाले हैं जो अच्छे बनाते हैं, बाकी और के मज़ा नहीं आता चाय पीने में। तो अपने काम करते हैं, खुद ही बनाते हैं चाय। ओके गाइस, तो अभी मैं जा रहा हूँ दूध लेने, तो अपन दूध ले आते हैं और फिर खुद ही बनाते हैं चाय। दो 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 तीन चार, जब मामा की डायरी आती थी वैसी डायरी थी। ओके गाइस, तो मैं आ चुका हूँ वापस ठोस और दूध लेके, बहुत टाइम हो गया था ठोस खाए हुए, तो मैं आज ठोस खाएंगे। ओके गाइस, तो मैं बना लेता हूँ चाय अभी, और मैंने माइक भी लगा लिया, तो मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छे से आएगी, क्योंकि अब मैं कैमरा दूर रख के बात करूँगा ना, तो फिर आपके पास आवाज़ नहीं आएगी, तो इसलिए मैं अभी माइक लगा लिया मैंने। ओके गाइस, तो अपन सबसे पहले मग्गा धोएंगे, ये सारे धो के रखते हैं हम वैसे तो, पर फिर भी मैं जब भी कुछ बनाता हूँ ना, तो उससे पहले इसको एक बार और धो लेता हूँ, किसी को भी यूज़ करता हूँ ना, तो उससे पहले एक बार धो लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और ये सब ना, ये जब बाहर रहते हैं ना, तो इनमें गिर जाते हैं या घूमते रहते हैं, तो उनसे ना बीमारी होने का थोड़ी दिक्कत रहती है। अभी भी मैं बीमार हो गया था, तो मैं अपना रिस्क नहीं लेता। मैंने जब जांच करवाई ना, तो उसमें कुछ भी नहीं आया, लेकिन मेरी बुखार और सिर दर्द दुख ही नहीं रहा था, तो गाइस रिस्क क्यों ले। और आपको पता है गाइस, जब मैं बीमार हुआ था ना, तब 2 बार ऐसी सिचुएशन आई थी कि मैं, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं बच जाऊँगा। 2 बार ऐसा हो गया था कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था मैं, मतलब मेरे बचने की उम्मीद भी नहीं थी, देख लो मुझे तो इतनी हालत ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी मेरी। ये मान लो कि भगवान की दया से मैं बच गया, ये बहुत बड़ी बात है, वरना मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी बिल्कुल भी। एक में अपन दूध डालेंगे, एक में अपन चाय पियेंगे, तो मैं दोनों को धो लेता हूँ इनको भी। तो गाइस अपन हमेशा की तरह 2 इलायची, 2 लौंग, 2 काली मिर्च, एक ये तो हो गया इसमें से काम। और अपनी फेवरेट अदरक, इसको भी धो लेते हैं एक बार के लिए। ओके गाइस, तो अब बारी है अपनी चाय बनाने की। दूध अपन ने अलग से गर्म रख दिया है, तो ये अपन रात को बना लेंगे या फिर। दो चम्मच चीनी। तो गाइस आज बहुत टाइम बाद में मैं ना चाय के साथ ठोस खाऊंगा, बहुत टाइम बाद जाके लेके आया हूँ मैं चाय, इसलिए मैंने ज़्यादा बनाई है,
क्योंकि फिर टोस्ट खाएंगे ना तो चाय वैसे ख़त्म हो जाती है। अगर अपन छोटा एक छोटा वाला कप बनाता ना मैं, तो उसमें तो एक दो टोस्ट खाता, उसी में वो ख़त्म हो जाती, फिर पीता क्या मैं। तो इसलिए मैंने ज़्यादा चाय रखी है, ज़्यादा चाय बनाई है मैंने। तो ये गाइस ये अपना आखिरी फाण है ये। ओके गाइस तो अपन लेते हैं टोस्ट, ले लेते हैं तीन। चलो चाय पीते हैं अब गर्मा गर्म। ओके गाइस तो अपन ना अब पी लेते हैं अपनी चाय और टोस्ट, एक बार टेस्ट करके देख लेता हूँ कैसी बनी है। अच्छी है तो अपन टोस्ट खाएंगे पहले। ओके गाइस तो अभी अपना टाइम हो चुका है बर्तन धोने का, राकेश भी आ गया और उत्तम भी अभी आ गए, तो अभी अपन अपना काम करते हैं, अपना फेवरेट काम बर्तन धोने का। तो गाइस रोज मैं बर्तन धोता हूँ और देखो रोज ये हालत हो जाती है, पूरा भर जाता है ये। तो चलो करते हैं अपन अपना काम, फिर वो लोग अपना अपना काम करेंगे। राकेश आ गया तो राकेश सब्जी बना देगा, उत्तम भैया खाना बना देंगे, रोटी बना देंगे। आज तो रोटी खाएंगे यार, बहुत टाइम से चावल चावल खा रहा हूँ मैं, तो मुझे जरूरत है रोटी खाने की। ओके गाइस तो मैंने सारे बर्तन धो दिए और ये देखो कितने बर्तन थे, पूरा बर्तनों की तो मैंने देखो पूरी लाइन लगा दी। तो सारे बर्तन धो के हो गए हम फ्री और असीम भी आ चुका है, तो अभी ये लोग बना लेंगे खाना। खाना और सब्जी बनाने का काम इन लोगों का है, मेरा बर्तन धोने का काम था, मैंने धो दिया। और देखो मैं जो अभी टाइम लैप्स ले रहा था ना, तो टाइम लैप्स देखो मैं ऐसे ले रहा था इसको डिब्बे पे लगा के, तो ये थोड़े से क्या मैं देसी जुगाड़ कर लेता हूँ अपने। तो गाइस ये मेरे थोड़े से जुगाड़ है जो मैं कर लेता हूँ ऐसे ही करके, आपको ब्लॉग दिखाता हूँ मैं। तो क्या करूँगा इस, थोड़ी सी गरीबी है तो ऐसे ही करना पड़ता है, जुगाड़ ही करना पड़ता है। बाकी आप लोग सपोर्ट करोगे तो और अच्छा कंटेंट बनने लग जाएगा धीरे धीरे। आजकल तो पता है मेरे कंटेंट ज़्यादा अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि बीमार था, तो मतलब वो ना कि वो सारी क्रिएटिविटी चली गई थी, बिल्कुल भी तबीयत ख़राब रहती थी ना बहुत ज़्यादा, तो मन ही नहीं करता था शूट करने का। अभी भी इन दिनों भी क्या मतलब मेरी वो एनर्जी नहीं रही मेरे अंदर, अभी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो चुकी है, तो मैं अभी ना ज़्यादा कुछ शूट करता ही नहीं और कहीं बाहर जाने का भी मन नहीं करता मैं, इसलिए भी आपको इतना मज़ा नहीं आ रहा होगा मेरे ब्लॉग्स में। पर गाइस हिम्मत मत हारना, मैं भी नहीं आ रहा तो आप भी मत हारना, आप भी देखते रहना मैं बनाता रहूँगा, ठीक है। तो आप देखना मत छोड़ना, मैं बनाना नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो ऐसे अपन डील करते हैं अपन लोग जो, और क्योंकि फिर आगे जो ब्लॉग आने वाले ना अपने, वो बहुत प्यारे आने वाले, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि अपने आगे के जो ब्लॉग आएंगे वो वेडिंग्स के आएंगे, क्योंकि अब सीज़न स्टार्ट होने वाला है वेडिंग्स का, तो रेगुलर वेडिंग्स रहेगी, अलग अलग वेडिंग्स रहेंगी, बहुत प्यारी प्यारी, कोई कैसी होगी कोई कैसी होगी, तो मज़ा आएगा। तो सारे ब्लॉग देखना, मज़ा आएगा, तो सपोर्ट भी करना गाइस, ऐसे देखा देखते हो तो सपोर्ट भी किया करो थोड़ा सा भाई को, सबको सपोर्ट करते हो आप और लोगों को भी सपोर्ट करते हो तो मुझे भी क्या करो, मैं भी तो आपका भाई हूँ तो सपोर्ट क्या करो। देखो गाइस असीम की स्टील बॉडी, असीम एक बार तारे डोला सोला दिखा दो, असीम तारे डोला सोला दिखा दे एक बार जल्दी। देखो गाइस सिक्स पैक है इसके, देख सकते हो आप, चेस्ट पे भी कट है, देखो चेस्ट पे भी कट है इसके, असीम कट्टू कटर फुल पैक, थारो फेवरेट पोज असीम, बॉल में धोनी आता डालो थोड़ी नहीं करना चाहो। ओके गाइस तो अभी राकेश और असीम बना रहा है, बैंगन की सब्जी और रोटी। ओके गाइस तो रोटी तो हमने कर ली, चटपुरी रोटी हो गई हमारी खत्म, खाना वाना खा के तो हो गए हम फ्री। और अभी असीम की डिमांड है कि मैं चाय बनाऊं, इसको पीनी है चाय मेरे हाथ की। तो ये देखो देखो कैसे लाश पड़ी है इधर। तो गाइस इसके लिए भी अपन बना रहे हैं चाय, उत्तम भैया राकेश सबके लिए चाय बनाएंगे, सब बैठेंगे चाय पियेंगे। ओके गाइस तो अभी अपन ने कर दिया कैंसिल, चाय बनाना तो कर दिया कैंसिल, और अब अपन बनाएंगे दूध, आज गुड़ का दूध पियेंगे। राकेश और उत्तम भैया तो पियेंगे नहीं दूध चाय कुछ भी, तो इसलिए अब मैं और असीम बचे, तो अब हम दोनों मिल के बढ़िया पियेंगे दूध। गाइस जिस जिस भाई का गुड़ वाला दूध फेवरेट है वो मुझे कमेंट कर देना, मेरा तो फेवरेट है, मतलब दूध ऐसे बहुत कम पीता हूँ, लेकिन जब गुड़ वाला दूध होता है ना खासकर सर्दियों में, तब मैं हमेशा गुड़ का दूध तो पीता ही पीता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है गरम गरम दूध सर्दियों में, वो भी गुड़ का। और गाँव में तो जब गाँव में रहते थे ना तब तो पता ही क्या होता था, सुबह सुबह मम्मी गुड़ का दूध और उसमें ना ऊपर घी डाल के
और फिर लेके आते थे, इतना टेस्टी लगता था ना, इतना मज़ा आता था वो पीने में। ओके गाइस, तो अपना दूध तो हो चुका है डन, अब करेंगे बैठ के एडिटिंग और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल पे जो भी भाई नया है सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।